कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया है, एक मौका आपने योगी जी को दिया है, ये शहरों की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए, हम अच्छे से आपके शहर को साफ सुथरा और बेहतरीन बनाकर दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी गारंटी वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी जुमला नहीं बोलती, आम आदमी पार्टी झूठ नहीं बोलती। इस प्रदेश में और देश में जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने झूठ के लिए जाना जाता है, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनी गारंटियों के लिए जानी जाती है। हमने दिल्ली में कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, सब कुछ करके दिखाया और मुनाफे का बजट दिया। पंजाब में हमने कहा बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, इलाज फ्री, वहाँ हमने फ्री बिजली करके दिखाया, इलाज फ्री करके दिखाया। हम इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही वादा कर रहे हैं, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, शहर होगा साफ। ये वन लाइनर हमारा वादा है, और मैं सीतापुर और प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमारे चेयरमैन बनेंगे, आप अपना पुराना हाउस टैक्स वाटर टैक्स का बकाया फाड़कर फेंक दीजिएगा, और नई जो पालिका गठित होगी उसमें हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, और आपके शहर को साफ सुथरा करने का हमारा संकल्प होगा। आज नगर पालिका है भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए, नाली के निर्माण में भ्रष्टाचार, सफाई कर्मियों को रखने के मामले में भ्रष्टाचार, छोटे मोटे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, कूड़े का जगह जगह अंबार। तो ये मैं समझता हूं कि शहर में रहने वाले लोगों का एक बड़ा कष्ट है, जिसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। इस समय भाजपा का सर आरोप है कि सभी लोग संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में, आम आदमी पार्टी की, इस पे आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह है। जैसे गैंग होता है कोई माफियाओं का, वो माफियाओं का राष्ट्रीय गिरोह है भारतीय जनता पार्टी। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कैसे। वाटर घोटाले के आरोप में बुकलेट जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, संजय सिंह ने नहीं, किसके खिलाफ? हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, उसको पार्टी में ज्वाइन करा लिया, उसको मुख्यमंत्री बना लिया। शारदा चिटफंड घोटाले में मुकुल राय का नाम आया, उस पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी शुरू हुई, उसको पार्टी में शामिल कराया, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना लिया। शुभेंदु अधिकारी पे इंक्वायरी शुरू हुई, उसको अपनी पार्टी का नेता बना दिया, विधानमंडल दल का नेता बना दिया बंगाल के अंदर। येदुरप्पा पे माइनिंग घोटाला लगता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। शिवराज पे व्यापम घोटाला लगता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह है। अभी हमने जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इनका खोला था, उस मेयर का टिकट कल काटा इन्होंने अयोध्या में। क्यों काटा? अगर उसने चंदा चोरी नहीं की थी तो उसका टिकट क्यों काटा? और अगर टिकट काटा है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? तो जो लोग राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई उपदेश हमें सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। जहां तक भाजपा के आरोपों का सवाल है, मैंने एक एक करके इनकी बखिया उधेड़ने का काम किया है। ईडी की जांच झूठ का पुलिंदा है। बोले मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए, सारे के सारे फोन चल रहे हैं और जिंदा हैं। बोले इस व्यक्ति ने यह बयान दिया, इस व्यक्ति ने यह बयान दिया। 6 लोगों ने न्यायालय में लिखकर यह कहा कि हमसे जबरन मारपीट करके बयान लिया गया। तो ये काम कर रहे हैं ईडी और सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी की वो एजेंसी है जो सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। भाजपा कह रही है कि इसलिए पहले आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद माफी भी मांग लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि भाजपा वो पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक व्यक्ति के नाम पूरा देश नीलाम करते जा रहे हैं, अडानी को कोयला, अडानी को गैस, अडानी को बिजली, अडानी को पानी, अडानी को सड़क, अडानी को स्टील, अडानी को सीमेंट, अडानी को सीपोर्ट, अडानी को एयरपोर्ट, आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी को, आकाश से पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति को दे दिया।
और आपको अभी 2.5 लाख का कर्जा लेना हो, चप्पल घिस जाएगी। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ अडानी का, 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ पूंजीपतियों का। तो आप देखिए किसके लिए सरकार काम कर रही है। कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ाते हो, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ाते हो, टीवी की दवा पे टैक्स बढ़ाते हो, 1400 दवाइयों पे टैक्स बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आटा पे, दाल पे, दूध पे, छाछ पे, दही पे, सब पे टैक्स बढ़ाते हो और अडानी को सारी सुविधाएं देते हो, सब कुछ, एयरपोर्ट उनका, सी पोर्ट उनका, कोयला उनका, गैस उनका, बिजली उनका, पानी उनका, सड़क उनका, स्टील उनका, सीमेंट उनका, सब कुछ दे दिया। हम कह रहे हैं भाई जेपीसी से जांच कराओ, उसके लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। बाकी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कोई कार्रवाई करना चाहते हैं।